ओडिशा पुलिस एसआई नियुक्ति पाई डिटेल्स नोटिफिकेशन आसारिछि एथिरे केउ माने आवेदन करिवे कोन योग्यता रहिछि कोन समस्त डॉक्यूमेंट्स दरकार एग्जाम पाई सिलेबस कोन रहिबो किपरि सिलेक्शन करा जिवो केउ लैंग्वेज रे क्वेश्चन आसिबो एवं समस्त डिटेल्स डाउट आजर वीडियो रे क्लियर हे जिवो। जदि आपण माने आमो चैनल ने नुआ निश्चित भाव रे वीडियो गुटे लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई दंतु लेटेस्ट पुलिस रिक्वायरमेंट रिलेटेड वीडियो गोटे प्रथम देखा देखो वर्तमान समय आप नोटिफिकेशन टी के रही आप ओडिशा पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड तरफ नोटिफिकेशन टी आसी जोटा कि एस आई निजुक्ति फुल नोटिफिकेशन देख आज ऑनलाइन आवेदन करते तारीख पर्यटन ना जुलाई 15 तारीख पर्यटन देख ये नॉर्मली रोच आवेदन एवं केते पोस्ट रही कहीदी एवं एग्जाम डेट के ना 6 अगस्ट रो आपणकर 16 अगस्ट मध्य आपणकर एग्जाम माने आपणकर मात्र हाथ में केवल 2 मास नुहे तो मझेरा केवल गोटे मस समय रही एग्जामिनेशन जदि प्रिपेरेशन करूँ भल भाव प्रिपेरेशन करने पड़ो कहीं मझेर गोटे मस रही समय और जब प्रिपेरेशन करवाई चाहूँ मेमोनिक स्टडी सेन्टर में आपको दि जाऊँगी कोर्स एस आई निजुक्ति चाहिए आपण मैंने आडमिशन करेंगे जोटा कि आपको पूरा समय पूर्व प्रिपेरेशन हो दे देख पे यार जो आप कैटेगोरी वाइज पोस्ट पूर्व भिडे कही कहवा उचित नुहे देन जो गुड़िक नुआ इनफर्मेसन रही से गुड़िक कह देख रिजर्वेशन आपंकर रही एससी एसटी आपंकर एक्स सर्विसमैन एमंक 5 ईयर रिलैक्सेशन रही देन आपंकर यार सैलरी के आपंकर जेहेतु ग्रुप बी जॉब यार स्टार्टिंग सैलरी रोक 16,880 एवं पर ईयर 10% हिसाब से आपंकर सैलरी बढ़ो देन आम नेक्स्ट जावा जोटा कि आपंकर एज क्राइटेरिया जो 1/1/2021 सुधा आपणकर 21 वर्ष निहाती दरकार तेब जाए आवेदन करें 21 रु 25 वर्ष रही बयस सीमा और 5 वर्ष रिलैक्सेशन रही अन्य कैटेगोरी मानक जोटा कि आपंकर एससी एसटी एससीबीसी वुमेन और एक्स सर्विसमैन रही रिलैक्सेशन जोटा कि नॉर्मली देन आम जा सहित जो इंपोर्टेंट देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपंकर ऑलरेडी आम कहीलु जोटा कि बैचलर डिग्री आपड़ पास कर दरकार एनी इनवर्ट सिटी जपर आप बीए बीएससी बीबीए बीसीए बीटेक मान इंजीनियरिंग जेकोसी क्षेत्र में आपड़ जब बैचलर डिग्री करवेदन करें बेसिक क्राइटेरिया आपंकर इंडिया सिटीजन होता दरकार आपंकर गुड क्यारेक्टर होता दरकार आपंकर हेल्दी होता दरकार आप साउंड बॉडी माइंड होता दरकार देन आपड़िया लिखिपा दरकार पढ़ी पार्थ्वा दरकार आपंकर हाईस्कल स्टाणार्ड में आपंकर मैथ आपंकर जोटा कि एम ई स्टाणार्ड जोटा कि आप प्राइमरी स्कूल ओडिया थी दरकार ना आप हाईस्कल ओडिया थी दरकार जोटा कि बेसिक क्राइटेरिया जदि ये आप ना तेज आप आवेदन करें या सहित आपंकर गोटे स्त्री रू अधिक स्त्री हो नए कौन क्रिमिनाल ऑफेंस आपंकर नाम कौन पुलिस केस जो क्रिमिनाल हो ना किसी पुलिस केस हेल्ले कौन क्रिमिनाल एटीएम जमी हो ना आपंकर कौन डिटेल्स सर्टिफिकेट आवश्यक देखा आपंकर कौन समस्त डॉक्यूमेंट्स आपंकर जिते वेरिफिकेशन दरकार आपंकर जो पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड में जिते आप सिलेक्शन है वेरिफिकेशन बेले कौन डॉक्यूमेंट्स दरकार प्रथम आपंकर एससी एसटी एससीबीसी कैंडिडेट जो थे आप तार सर्टिफिकेट दरकार देन आपंकर मेट्रिक सर्टिफिकेट दरकार आपंकर डिग्री सर्टिफिकेट बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट दरकार एवं यहाँ सहित जदि आप एक्स सर्विसमैन होते से सर्टिफिकेट दरकार जदि हो ना से सर्टिफिकेट दरकार ना देन जदि स्पोर्ट्समैन होते से दरकार जदि आप इनके स्पोर्ट्समैन होते दरकार ओडिया कहीपा लिखिपा पढ़ी पार्थ्वाई आपंकर 10म श्रेणी ओडिया थी दरकार ना एम ई स्टाणार्ड जोटा कि क्लास भि आई बी डबल आई जोटा कि 7म श्रेणी में आपंकर ओडिया सब्जेक्ट होगा दरकार जोटा कि ओडिशा जो स्कूल एंड मास एजुकेशन अंडर में होता दरकार देख यह रोचे आपंकर कहना बेसिक गोटे गोटे इनफर्मेशन इनवर्स इन सर्विस मानक रही देन ट्रांसजेंडर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तरफ से ट्रांसजेंडर बोली से प्रूफ थी दरकार सहित आपंकर जेकोसी गोटे आई डी प्रूफ जपर आप भोटर कार्ड हो कि पान कार्ड हो कि पासपोर्ट हो कि ड्राइविंग कार्ड हो कि आप आधार कार्ड होकोसी आपंकर गोटे आईडेंटिटी प्रूफ थी दरकार गवर्नमेंट इश्यू द्वारा देखे एग्जामिनेशन फी के रोचे अलरेडी आम कही
ଯେଉଁଟାକି 285 ଟଙ୍କା ରହିବ ଫି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର SC ST କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କର 285 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସିଲେକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି କେବେ ନା 15 ଜୁଲାଇ 2021 ରାତି ହେଉଛି 11:59 ମାନେ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରାଯିବ, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେବି। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ସିଲାବସ୍ କଥା କହିବା, ତେବେ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର 300 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଦେଖ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫିଜିକାଲରେ କୌଣସି ମାର୍କ ଦିଆଯିବନି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି CBRE ହେବ, ଏବଂ ଏଇ CBRE ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ରହିବ ନା 100 ମାର୍କସ୍ ରହିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 90 ମିନିଟ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟକୁ ମିଳିବ ଏବଂ 90 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। ଦେନ୍ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି, ଯାହାର ଆପଣଙ୍କର 180 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ରହିବ 36:18। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 200 ମାର୍କ ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଭାଲ୍ୟୁ 1 ରହିବ। ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ଅଛି 0.25। ଯଦି ଆପଣ 4 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ କରିବେ ତେବେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିବ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଏହାପରେ ରହୁଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଦେଖ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ମାର୍କ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ଇନ୍ ନେଚର ନୋ ମାର୍କ। ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେବି ପରେ। ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର 300 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଦେଖ ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବା ବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କି, କୌଣସି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଅଲରେଡ଼ି ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡେଟ୍ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ odishapolice.gov.inରେ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ର, ଓଡ଼ିଆରେ ରହିବନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର SI ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯିବ, ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରହିବ, କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ଓଡ଼ିଆରେ ରହିବ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀରେ ରହିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଦେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ଡେଜ୍ ଅପଲୋଡ଼ିଂ ଆନ୍ସର୍ କି ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଲାବସ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ। ଦେଖ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ ପେପର୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏବିଲିଟି ଟୁ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସିରିୟସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଏକଥିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ରହିବ, ପେସେଜ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ଭୋକାବୁଲାରୀ ୟୁଜେସ୍ ଭୋକାବୁଲାରୀ ରହିବ, ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟୁ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାମାର୍। ଗ୍ରାମାର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ସ ଆସିଗଲା, ପିପୋଜିସ ଆସିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାସିଭ୍ ଆସିଗଲା, ସମସ୍ତ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ ଏଠାର ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମାର୍। ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ ରହିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ପେସେଜ୍ ରହିବ, କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଗିଭେନ୍ ରହିବ, ପେସେଜ୍ ରହିବ, ଦେନ୍ ଭୋକାବୁଲାରୀ ରହିବ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର୍। ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ A-Z ସବୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କୋଚିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ ମେମୋନିକ୍ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ରହୁଛି ମଝିରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 200 ମାର୍କ୍ସ, ଦେଖ 200 ମାର୍କ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ। ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସମସ୍ତ ଇଂଲିଶରେ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି କୁହାହେଇଛି। ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ପାର୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରହିବ, ଓଡ଼ିଆଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ତାରି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଆୱାରନେସ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଏଫେୟାର୍ସ ରହିବ, ନ୍ୟାସନାଲ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁଟାକି ଆନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରୁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନମିକ୍ସ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ମୋର୍ ଅନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ,
माने जियोग्राफी ऑफ इंडिया फिजिकल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ कंट्री आमर पड़िबो जोटा कि बेसिकली विशेष करी जियोग्राफी ऊपर बेसी इंपोर्टेंट दिया जिवो जोटा कि इंडियन जियोग्राफी देन आपन कर इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स देखो इंडियन पॉलिटी एवं इकोनॉमिक्स रे केमिति आपन कर क्वेश्चन रहबो जोटा कि आपन कर इंडियन पॉलिटी एवं अपन माने केपरी पॉलिटी एवं इकोनॉमिक्स जोड़ित एवं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपन कर पंचायत राज एडमिनिस्ट्रेशन एवं प्रिंसिपल फीचर्स एवं यहाँ पर आपन कर बहुत सारा क्वेश्चन रहबो देन आपन कर मेंटल एबिलिटी रीजनिंग रहइबो देन आपन कर न्यूमेरिकल एबिलिटी जोटा कि आपन कर अप टू 10 स्टैंडर्ड पर्यंत आपन कर क्वेश्चन रहइबो बेसिक क्वेश्चन एवं बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी मते आपन कर कंप्यूटर मध्ये आसीबो एसआई निजुक्ति रे देखो एही परि भाबरे आपन कर संपूर्ण सिलेबस रहइबो देखो फिजिकल मेजरमेंट किपर करा जइबो ऑलरेडी मु कहि सारि छी एटा को कहिबानी काईना गत वीडियो रे आमे कहि देथिले एवं यहार पीडीएफ पाइबा पई हमर टेलीग्राम चैनल ओडिसा कम्युनिकेशन ले जॉइन करो जोदरे कि एही पीडीएफ टा आमे दे देबो बट आपन कर फिजिकल मेजरमेंट ऑलरेडी आमे कहितिले माने वीडियो लॉन्ग हे जइबो कहिबानी देन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मध्ये कोआ जायछि रनिंग आपन कर केवल रनिंग रहउछि देन आपन कर जोटा कि वुमेन्स मानक पई भी रनिंग रहउछि एवं लॉन्ग जंप रहउछि बस एतिक रनिंग एवं लॉन्ग जंप रहउछि अन्यान्य कोनोसी जिंस रहउनि देख एगुडा केवल क्वालिफाइंग नेचर रे करा जइबो जोडा आपन केबे करा जइबो केउटे करा जइबो याकु अपडेट मिलिबो आपनकु वेबसाइट रे देख आपनकर सिल जोटा कि आपनकर एनसीस मार्क सर्टिफिकेट सिलेक्शन टा आपनकर केमिति हबो सेइ जिंसटा को आमे एनसीस सर्टिफिकेट जदि थिबो बी सर्टिफिकेट रे 1 मार्क सी सर्टिफिकेट रे 2 मार्क देखो आपनकर देखो प्लेस एंड कंप्यूटर एग्जामिनेशन पई आपनकर वेबसाइट रे दिया जइबो अपडेट केबे आपनकर करा जइबे एवं एडमिट कार्ड मध्ये वेबसाइट रे अपडेट दिया जइबो केबे एडमिट कार्ड प्रकाश पाइबो देन सिलेक्शन प्रोसीजर देखो सिलेक्शन प्रोसीजर टा केमिति हबो ना जो आपनकर सीबीआरई देबे जोटा कि कंप्यूटर बेस्ड रिक्वायरमेंट एग्जाम तबे जो सही एग्जाम रो स्कोर अनुसार आपन जेते भलो सेत्र स्कोर करिवे सही स्कोर अनुसार नियुक्ति हो सेति पई मदे आमे कोचिंग प्रोवाइड करू छ मेमोनिक स्टडी सेंटर रे सेटी चाहिले आपन एडमिशन करि परबे तळे नंबर मदे स्कॉल होछ सेही नंबर रे जोगाजोग करि परबे देखो एही रहू छ आपन कर कोन ना सिलेक्शन प्रोसीजर आपन कर सीबीआरई अनुसार हेबो माने कर दुई जण कर समान हे गला सीबीआरई मार्क तबे तार डेट ऑफ बर्थ एग्जाम से जनरल स्टडीज रे केते मार्क रो किछ देखा दिबो जदि सेट सामान होती डेट ऑफ बर्थ देखा जाए यहाँ सहित आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम देखा यहीपर भाव में आप दुईजर सामान होन आपर जब कौन फॉल्स आपड़ दौरान इनफॉर्मेशन तेज आप आईन अनुसार दंडित होते निश्चित भाव में ओडिशा पुलिस तरफ रखा जाकर इंपोर्टेंट इंट्रोडक्शन दि जाइए जोटा कि आप भल भाव में पढ़े जोटा आम इनफॉर्मेशन देदेलु देन आपंकर आवेदन आवेदन समय कौन हेल्प डेस्क रखा जाए फोन नंबर देख 022-6233-7902 यही नंबर में आप कल करेंगे ईमेल आई डी रही odipolsi2021@onlinerejistration information.org आपड़ जेकोसी जगह चाहिए ये आप इनफर्मेसन नहीं पारे हेल्प नहीं पारे देख यहाँ आपंकर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर किपर रहा देख यहाँ मुझे वीडियो आनबी केमी आपड़ ऑनलाइन आवेदन करेंगे यहाँ वीडियो आसो जमा भी अरीट हेनी केमी ऑनलाइन आवेदन कर देख प्रथम ये मुझे समस्त को कहीदी कौन रोचना आपंकर इनफर्मेसन प्रथम देखो देख आप निजर नेम केमी रेजिट्रेसन करेंगे आप गोटे मोबाइल नंबर थी भैलेड मोबाइल नंबर और भैलेड इमेल आई डी रोक पासपोर्ट सैज कलर फटो गोटे दरकार आपंकर सिग्नेचर दरकार एवं आपणकर जो रही आपंकर फोटो सिग्नेचर कैन भी आपंकर रिसाइज एवं विजिटिंग एनी ऑनलाइन कन्वर्टर वेबसाइट को दे दिबे नहले आपंकर एतिक जिनस आपंकर दरकार फोटो सिग्नेचर आउ आपंकर ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर देन आपंकर नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन किपर करिवे ना आपण बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रथम करिवे तापर डिटेल्स रजिस्ट्रेशन करिवे देखो आपण बेसिक रजिस्ट्रेशन पई odishapolice.gov.in वेबसाइट को जिबा पई पड़िबो एवं से बेसिक रजिस्ट्रेशन में जो आप करेंगे ना निजर नेम फोन नेम मिडिल नेम लास्ट नेम फिलअप करेंगे देन निजर जेंडर मेल फीमेल करेंगे नेशनालिटी इंडियन करेंगे ईमेल आईडी देते आउ तार कन्फर्म करेंगे मोबाइल नंबर देते ओटीपी उपर क्लिक कर ओटीपी देते देन आप गोटे कैप्चा कोड देते पड़ो देन मोर डिटेल्स डिक्लेरेसन कर सबमिट करेंगे जोटा कि आपंकर बेसिक ईमेल आईडी सरगला तापर आप कौन ना रेफरेन्स मोबाइल नंबर और स्क्रीन में डिस्प्ले कर जोटा कि रहापर आप डिटेल्स रजिस्ट्रेशन करेंगे जोटा कि आपंकर ईमेल आईडी देते गोटे जो ईमेल आईडी माध्यम आप बेसिक कर सारापर पासवर्ड और लॉगिन करेंगे
देन आपणकर पूरा डिटेल्स करेंगे सेठी आपणकर कोना निजर कैटेगोरी फिलअप करेंगे देन आपणकर जो सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय रही से ऑप्शन उड़ाए थिबो जो माने स्पोर्ट्समैन एनसीसी जो माने अछि एयर सर्विसमैन अछि एगुडा आपण जो मानकर थिबो से माने आवेदन करबे अन अन्य माने आवेदन करबे किछ दरकार नै देन आपणकर मैट्रिकुलेशन डिटेल्स देबा पई पड़िबो तापर आपण मैरिट के अनमैरिट सिलेक्ट करे पई पड़िबो निजर फादर्स नेम जदि मैरिड हेतिबे मद माने फादर्स नेम जदि देबे जदि मैरिड हेतिबे निजर माने हस्बैंड्स नेम देबे एमिति आपण फिल अप करिवे देन आपणकर परमानेंट एवं आपणकर कम्युनिकेशन एड्रेस एवं पिन कोड देबे देन आपणकर एग्जामिनेशन सेंटर लोकेशन देबे देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले आपणकर 10th माने प्लस 2 एवं आपणकर डिग्री या समस्त डिटेल्स देबा पई पडिबो देखत एतिक डिटेल्स देबा पर आपणको अपलोड कोन करया पई पडे देख आपणको फोटो अपलोड एवं सिग्नेचर अपलोड करया पई पडिबो अन्य कोनोसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़े कि अन्य समस्त डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स देवाई पड़ो देन आम जो ऑनलाइन डेमो करवा से देखेदेवी कौन कौन डिटेल्स दे आप जोटा कि आप आवेदन करेंगे यार गोटे घंटा कि दुई घंटा पर आपको भिड आसो किपर ऑनलाइन आवेदन करेंगे देखते आपंकर मोड ऑफ पेमेंट जोटा कि आपंकर निजर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूपीआई आप जेकोसी थ्रो रे पेमेंट फोनपे गूगल पे सब माध्यम पेमेंट्स करेंगे कितनी एससी एसटी कैंडिडेट पेमेंट्स करेंगे कहीं से नो पेमेंट्स एवं एप्लीकेशन प्रिंट करदे देन आप सबमिशन हो देखिए भाव में आपको समस्त जिनस को ये करापी पड़ो या सहित आप जो मैंने अंडरटेकिंग देते एक्स सर्विसमैन अंडरटेकिंग रही देन आपर अगर जो मैंने रही जोटा कि फॉर्मेट सबमिट सबमिटिक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय अंडर द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ओडिशा क्लेमिंग अदर बेनिफिट्स जोटा रही है एनेक्स देखें पड़ो जो मर दरकार देख यापर मुझको अगर गोटे भिडियो आणवि जो भिडियो में आपको कहबी कि आपरि स्टेप बै स्टेप ऑनलाइन आवेदन करेंगे से पर्यटन आम विदाय ना जय जगन्नाथ जय ओडिशा।